सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम ऋषिकेश घूमने के लिए निकले हैं, तो हमने प्लान किया है पहले नीलकंठ वाटरफॉल जाएंगे, उसके बाद में राफ्टिंग करेंगे। ये देखिए जाने का रास्ता, यहाँ से इसके राइट लेफ्ट साइड में आपके गंगा नदी है, और ये हम गन्ने की दुकान पर रुके हैं जूस पीने के लिए, लेकिन जूस बहुत ज़्यादा महंगा था इसलिए हमने नहीं पिया है। फिर हमने राम झूला क्रॉस करते हुए निकलते जा रहे हैं हम। यहाँ का भी बहुत अच्छा नज़ारा है राम झूला का, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे इंतजाम भी करे गए हैं आने जाने के लिए। ये बीच वाला रास्ता पेडेस्ट्रियन के लिए है, जो पैदल चलते हैं उनके लिए है, और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा नज़ारा है। हनुमान जी राम सीता को अपने सीने में दिखाते हुए हाथ जोड़े हुए बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो, हनुमान बाबा की जय। और हम अब निकल चुके हैं नीलकंठ वाटरफॉल के लिए। बताते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने रील्स वगैरह में देखा था, बहुत ज़्यादा फेमस वाटरफॉल दिखा रहे थे उसे ये, और अच्छे नज़ारे दिखा रहे थे उसके। देखते हैं, चलते हैं वहाँ के लिए। ये रास्ता देख सकते हो, बहुत डेंजरस रास्ते हैं यहाँ के, बहुत संभल के चलना पड़ता है यहाँ के लिए। हमारे पास तो दो स्कूटियाँ हैं, हम देहरादून से आए हैं, दो स्कूटी करी थी वहाँ से, हमारी पर्सनल स्कूटी थी वो, वहाँ से आए हैं। ये देखिए वाटरफॉल के लिए, बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, कम से कम जहाँ वाटरफॉल है नीलकंठ वाटरफॉल वहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर आपको चार किलोमीटर तो चढ़ के जाना पड़ेगा, आई थिंक 3-4 किलोमीटर के समथिंग जाना पड़ेगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन बहुत चढ़ के जाना पड़ेगा उधर के लिए। देखो मैं तो काफ़ी तेज़ तेज़ भाग रहा था, मेरे साथ वाले थक चुके थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बंदे का एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम दे के आया था, फिजिकल था उसका, तो वो रजत भाई, अतुल भाई आ रहे हैं, ये देखिए तो काफ़ी जल्दी जल्दी हम चढ़ते जा रहे हैं और लोगों से। और ये देखिए नीलकंठ वाटरफॉल, मेरे पास वीडियो नहीं है लेकिन ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया था, लेकिन ज़्यादा खास नहीं है, मुझे तो लगता है कि इतना रील वगैरह में हाइप बना के रखा है, ऐसा है नहीं है कुछ। तो आई थिंक आप लोगों को, आओ तो आ सकते हो, लेकिन इतना ख़ास तो नहीं है ये वाटरफॉल जितना दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि मैं तो नहीं आऊँगा नेक्स्ट टाइम के लिए, लेकिन ऐसे ही ज़्यादा ख़ास नहीं है, आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। अब इसके बाद में हम जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, पहले हमने राफ्टिंग के लिए बुक किया, यहाँ प्राइस 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, जैसे बार्गेनिंग आप कर सको वैसे कर सकते हो। ये देखिए इनकी गाड़ी है, इसी गाड़ी में लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर बोट रखा हुआ है, ये देखिए अतुल भाई, ये देखिए मज़े करते हुए एक्साइटेड हैं सब लोग राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा। मेरा तो सेकेंड टाइम है, मुझे तो पता है, लेकिन लास्ट टाइम मज़े नहीं आए थे इतने। ये देखिए सब लोग, ये भाई तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, और ये अतुल भाई अपना ब्लॉग शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। और हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, देखिए अतुल भाई, ये देखिए रेडी हो रहे हैं हम सब लोग यहाँ पे, और ये हमारी बोट है, बोट देख सकते हो आप, इसमें जाएंगे हम राफ्टिंग करेंगे। ये रजत भाई थोड़ा रील बनाने के लिए बोला, ये उनका रील बनाना है, काफ़ी रील तो बनाना है। और पीछे का नज़ारा देख सकते हो आप, कितना अच्छा दिख रहा है पीछे का नज़ारा, देख सकते हैं आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, ये पूरा नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। राफ्टिंग में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं, आप आओ कभी कभी भी आते हो ऋषिकेश तो राफ्टिंग तो ज़रूरी करें यहाँ पर आके, बहुत अच्छा नज़ारा रहता है राफ्टिंग का। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, ये देखिए सब लोग, अभी देख सकते हो आप, ये देखो पानी में क्या, देखिए हमारे पास रोप है, गाइडलाइन है, वो पकड़ना है उसे, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। गाइड जो बंदा करता है वो बोलता है रोप को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा रहता है, आप बहते चले जाओगे उधर पीछे की साइड में, काफ़ी दूर निकल जाओगे, और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो अप्रैल के टाइम में गया था, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को अप्रैल मई में जाइए, बारिश के मौसम में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उधर बहुत ज़्यादा पानी रहता है, और सर्दियों में तो आप वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा पानी रहता है उधर। तो आपको सजेस्ट मैं यही करूँगा, बारिश के मौसम में ना जाएं, ना सर्दियों के मौसम में जाएं, अप्रैल मार्च अप्रैल मई में आप जाएं, अच्छा आप इंजॉय कर पाएंगे उधर पहाड़ों में,
देख सकते हैं आप, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम लोग, बहुत मज़ा आया। भाई ने भी बहुत अच्छा राफ्टिंग कराया हमें, लास्ट टाइम इतना अच्छा नहीं कराया था उन्होंने इतना।